हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शां सहनावतु नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे पंचदशी का ये नवमा अध्याय है ध्यान दीप प्रकरण। ये प्रकरण का आरंभ क्यों किया गया? तावत वेदांत शास्त्रे वेदांत शास्त्र में नीति विवेक वैराग्य समाधि शतकति ये बाह्य जो साधन है और अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। अब देखो तो जो साधक है जिसके जीवन में ये समाधि शटक संपत्ति भी है जिसने शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन किया है ये करने के बाद भी ये शास्त्र श्रवण में हम देखते हैं दो बात है एक त्वम पद है दूसरा तत्पद है। तो तत्त्वम पद का वाच्य अर्थ क्या है तत्त्वम पद का अलक्ष्य अर्थ क्या है तत्पद का वाच्य अर्थ क्या है तत्पद का लक्ष्य अर्थ क्या है ये श्रवण किया है तो इस प्रकार से तत् और त्वम पद का विवेचन विवेक विचार करने के बाद वा महावाक्यार्थ अपरोक्ष ज्ञानेन इस प्रकार से तत् पद और त्वम पद जीव और ईश्वर जीव का वाच्यार्थ है वो संसारी है करता है भोक्ता है और उनका लक्ष्यार्थ है एक अद्वितीय पूर्ण चैतन्य स्वरूप। तत्
जिसको कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर को हम जगतकर्ता कहते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी जगतकर्ता, ये उनका वाच्य अर्थ है। लक्ष्य अर्थ है सच्चिदानंद ब्रह्म, आप देखो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और ये दोनों का वाच्यार्थ में विरोध है, लेकिन लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र है। ईश्वर भी सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र है, जीव आप भी सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र है। और इस प्रकार से महावाक्य तत्त्वम असि तत् जगत कारण ब्रह्म त्वम असि, आप वो जगत कारण ब्रह्म ईश्वर आप है। तो ये महावाक्य का जो अर्थ जो है उनका भी जब श्रवण करते हैं तो उनके द्वारा हमें ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होता है। अपरोक्ष ज्ञान मानी आपका स्वयं का निश्चय कि आप पूर्ण असंग निर्विकारी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब और ये जब तक अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, मानी कि जब तक आप अपने आप के स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, गीता में भगवान कहते हैं स्थित्वा सामंत काले, अब येषा ब्राह्मी स्थिति, जब तक आप ये ब्राह्मी स्थिति नहीं प्राप्त करते, माने कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये निश्चय जब तक नहीं होता है, ब्रह्म भाव लक्षण मोक्ष भवति। एक बार अपने आप को ब्रह्म स्वरूप आप जान लेते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब समझो बुद्धि मांद्यादि ना के नचित प्रतिबंध है न वाक्यार्थ विषय। वेदांत जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने के समय हमें सब ठीक ही लगता है, लेकिन जब स्वरूप की अनुभूति की बात आती है तब हमें कुछ प्रतिबंधक लगता है। कई बार हमें ऐसा अनुभव होता है कि श्रवण काल में हमें सब ठीक लगता है, बाद में हमें यह लग रहा है कि कुछ छूट गया है। अब हमारी बुद्धि में कुछ मंदता, मानी कि कहीं पर हमारी बुद्धि अटक गई है। अंग्रेजी में कहते हैं यू हिट द वॉल। अब देखो और इसके कारण क्या, और अन्य कोई प्रतिबंधक है, अन्य कोई विघ्न है जिसके कारण आप अपने ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए तद उपादान द्वारा मोक्ष फल उपासग्रम। अब देखो तो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तो उनकी उत्पत्ति के लिए, अब देखो ब्रह्म मोक्ष फल फल का उपासना ने ददर्शियुहु आदौ, तो ये मोक्ष फल प्रदान करने वाली उपासना, आप समझो ये सब जो उपासना जो है उपनिषद में जितनी भी उपासना दर्शाई है कोई विशेष सिद्धि के लिए नहीं है, कोई चमत्कार के लिए नहीं है, लेकिन मोक्ष फल दायक आपके अपरोक्षानुभूति के लिए और अपरोक्षानुभूति के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए ये उपासना दर्शाते हैं। और इसीलिए ये ब्रह्म तत्व उपासना अपि मोक्ष भवति। आप देखो इस प्रकार से जब हम उपासना करते हैं तो हमारी बुद्धि में, आप समझो ये ठीक से, निर्गुण ब्रह्म की उपासना आपको सीधे सीधे मोक्ष नहीं देती है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है, उपासना मानस कर्म है। हम तीन प्रकार के कर्म करते हैं, कायिक कर्म करते हैं, वाचिक कर्म जो बोलना है, और मानस कर्म। व्यवहार में भी यही तीन प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, शास्त्र में भी ये तीन प्रकार के कर्म है, भक्ति में भी ये तीन प्रकार के कर्म है। भगवान की आप कायिक पूजा कर सकते हो, अब भगवान के लिए आप स्तुति का गान कर सकते हो, वाचिक कर्म है, संकीर्तन करते हो, और मानस कर्म भगवान का आप ध्यान करेंगे या जो भगवान की पूजा आप करते हो वही पूजा आप मानस रूप से करो, जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने वो शिव मानस पूजा लिखा है। अब उसका वाचिक कर्म कर, वो मानस पूजा है, फिर हम वाचिक कर देते हैं उसको, मन करो। अब देखो भगवान की पूजा करो, पाठ करो, भगवान को पुष्प अर्पण करो, भगवान को नैवेद्य अर्पण करो, भगवान को नमस्कार करो, सब मानस रूप से आप कर सकते हो।
तो जिसको हम ध्यान कहते हैं या जिसको हम उपासना कहते हैं वो मानसिक कर्म है, आप ठीक से समझे। और कर्म से विशेष प्रकार के कर्मफल की उत्पत्ति होती है। शास्त्र के अनुसार दो प्रकार के कर्मफल होते हैं, दृष्टफल और अदृष्टफल। दृष्टफल यहां आपको देते हैं, अदृष्ट मानी पुण्य कर्म। अदृष्ट इसलिए कहते हैं कि हम पाप पुण्य देखते नहीं है, दृष्ट नहीं, हम देख नहीं सकते। दृष्ट है, अदृष्ट है, देख नहीं सकते पाप पुण्य, इसलिए उनको अदृष्ट कहते हैं। आसन और इसलिए कहते हैं कि ये जो उपासना है निर्गुण ब्रह्म की, जब हम उपासना करते हैं तो उपासना कर्म होने के कारण विशेष प्रकार के पुण्य की उत्पत्ति वो करते हैं। जो पुण्य के कारण, जो हमारे मन में जो भी कोई प्रतिबंध है, हमारे पाप कर्म है, हमारे पाप कर्म प्रतिबंधक बन के हमारे मन में बैठे हैं, तो वो जो पुण्य हम उत्पन्न करते हैं, ईश्वर निर्गुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा हम आध्यात्मिक पुण्य उत्पन्न करते हैं। वो आध्यात्मिक पुण्य जो है, वो आध्यात्मिक पुण्य सर्व प्रकार के प्रतिबंधक की निवृत्ति कर देते हैं, जिसके कारण हमें अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है, जो मोक्षदायक है। उपासना सीधे सीधे हमें मोक्ष नहीं देती, आप समझो। और इसलिए कहते हैं मोक्ष फलदायक उपासना, नहीं आप देखो, मोक्ष फल देने वाली उपासना का अब निरूपण हम करते हैं, जिसके कारण ये प्रतिबंधक की निवृत्ति होती है। तो बोले शास्त्र में ये इस प्रकार की जो उपासना है हमें दर्शाई है, तो पहले श्लोक में सीधा दर्शाते हैं, संवादी ब्रह्म वद ब्रह्म तत्वोपासति अपि मुच्यते। उत्तर तापनीय उपनिषद जो है वहां ये दर्शाया है, संवादी ब्रह्मवत। तो बोले संवादी ब्रह्म क्या है? तो बोले दो प्रकार के ब्रह्म, एक संवादी ब्रह्म है, दूसरा विसंवादी ब्रह्म है। तो उसी प्रकार से हम ब्रह्म तत्व की उपासना भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं आगे, कहते हैं देखो बहुत सुंदर है यहां कि अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है, रात को वो खड़ा है, तो दूर से उसे प्रकाश दिख रहा है। अब वो जो प्रकाश है, जो प्रकाश पुंज उसे दिख रहा है, उसमें उन्होंने सोच लिया ये मणि का प्रकाश है, मणि प्रभा। दूसरे व्यक्ति ने सोच लिया ये दीप प्रभा। आप देखो, और दोनों उस ओर दौड़ते हैं। अब जब वहां दौड़ते हैं तो जिसने मणि प्रभा कह करके, दोनों ने देखा है प्रकाश, दोनों सोच रहे हैं कि वहां प्रकाश है, वो प्रकाश अंधेरे में दिख रहा है, वो दोनों सोच रहे हैं ये मणि प्रभा है। दोनों क्या सोच रहे हैं? मणि प्रभा है, आप समझो। अब दो प्रकार से हमें यहां समझना है कि जहां जो प्रकाश दिख रहा है, एक व्यक्ति मणि प्रभा को हुई मणि देख के दौड़ रहा है, मणि का ही प्रकाश है वो, और वो उसको मणि समझ के दौड़ रहा है। उन्हें मणि जानता नहीं है, लेकिन समझ लिया कि ये मणि का प्रकाश है और दौड़ रहा है। दूसरी व्यक्ति जो मणि का प्रकाश देख रहा है, उसको भी मणि प्रभा दिखती है, वो सोच रहा, ये उनकी सोच है, वो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि ये मणि की प्रभा है। लेकिन सही में जब वो दूसरा व्यक्ति देख रहा है, वो जो देख रहा है वो दीपक का प्रकाश है, दीप प्रभा है। आप देखो, तो जो व्यक्ति मणि प्रभा देख रहा है और वहां सही में मणि है, तो जब वो दौड़ेगा तो उसको मणि की प्राप्ति होगी। वो जो देख रहे, दोनों देख रहे हैं प्रकाश, आप देखो, और दोनों ने मान लिया ये मणि प्रभा है। तो जो मणि है और मणि प्रभा को मणि मणि के प्रकाश जान के जो दौड़ रहा है, उसको मणि की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन दीपक के प्रकाश को, दीप प्रभा को अगर उसने मणि प्रभा मान के दौड़ के गया है, तो उसको मणि की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो दीपक का प्रभा प्रकाश है। तो शास्त्र कहते हैं कि मणि प्रभा में मणि कर
प्रकाश जो है मणि प्रभा में मणि बुद्धि करके जो दौड़ रहा है और उसको मणि की प्राप्ति होती है, उसको संवादी भ्रम कहते हैं। भ्रम ही है क्योंकि वो मणि तो देख नहीं रहा है, वो प्रकाश देख रहा है लेकिन उसमें उसने मणि बुद्धि कर दी है। दूसरा जो है उसने भी प्रकाश देखा है, वो भी मणि बुद्धि कर रहा है लेकिन जो मणि बुद्धि उसने की है वो प्रभा है। तो जो दूसरा व्यक्ति जो दौड़ रहा है और उसको जो मणि प्रभा देख के वो दौड़ रहा है, मणि प्रभा मणि बुद्धि करके वो दौड़ रहा है, तो उसको दीपक है इसलिए उसको मणि की प्राप्ति नहीं होगी, उसको विसंवादी भ्रम कहते हैं। मणि में मणि प्रकाश में ही मणि बुद्धि करना, आप समझो मणि तो उसने देखा ही नहीं है। तो प्रकाश में मणि बुद्धि करके वो दौड़ रहा है तो उसको मणि की प्राप्ति होगी, तो भी उसको संवादी भ्रम कहते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी हमें क्या करना है, जो दीपक के प्रकाश में मणि बुद्धि करके दौड़ा है उसको मणि की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जिसने मणि बुद्धि करके जो मणि प्रभा में मणि बुद्धि करके दौड़ा है उसको मणि की प्राप्ति होती है। अब देखो उसी प्रकार से जो हम ब्रह्म की उपासना करते हैं फिर वो बहुत सारे श्लोक में दृष्टांत हमें देते हैं, आप समझो कि शास्त्र में इस प्रकार से हमें बताते हैं आगम विषय। अब देखो शास्त्र में कहा कि आप ये संवादी ब्रह्म विसंवादी ब्रह्म जो कह रहे हैं उनके लिए शास्त्र में प्रामाण्य कहां पर है। अब देखो तो ये दृष्टांत हमें देते हैं, आगम में भी ये कहा गया है, मात्र उत्तर तापने उपनिषद में ही नहीं, गोदावरी उदकम गंगोदकम मत्वा विशुद्धये संप्रोक्ष्य शुद्धम आपनोति। अब देखो गोदावरी का उदक उदक है, गोदावरी का जल है लेकिन उन्होंने सोच लिया ये गंगा जल है, तो गंगा जल सोच के ये गंगा जल है ऐसा विचार करके जब वो प्रोक्षण करता है तो उनकी शुद्धि होती है। अब देखो और इसलिए कहते हैं त्रिविध संवादी भ्रम उदाहरण सिद्ध्यमर्थम। अब देखो प्रत्यक्ष अनुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे, ये संवादी विसंवादी भ्रम जो हम कहते हैं ये संवादी भ्रम तीन प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष भ्रम भी होता है, अनुमान भी होता है और शास्त्र के द्वारा भी होता है। अब देखो उक्त न्यायेन संवादी भ्रमः सन्ति हि कोटिशः, इस प्रकार से अनेक प्रकार के संवादी भ्रम है, अब देखो एक दो नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव भी है और इसलिए दृष्टांत देते हैं। अन्यथा मृत्तिका दारुशीलाः स्युः देवताः कथम। अब देखो मृत्तिका दारुशीलाः, अब मृत्तिका मिट्टी का हम गणेश बनाते हैं और मिट्टी के गणेश में हम गणेश बुद्धि करके उनकी पूजा करते हैं, शीला शीला से भी काष्ट की, दारू माने काष्ट, काष्ट की भी मूर्ति हम बनाते हैं और फिर उन्हें भगवान की पूजा करते हैं। तो हमारी आंख से तो हम क्या देख रहे हैं, ये मृत्तिका है, ये लकड़ी है, फिर हम उसमें ईश्वर बुद्धि करके पूजा करते हैं और हमें वो प्राप्त होती है, ईश्वर की उपासना से हमें वो ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति होती है। और उसी प्रकार से शास्त्र में भी अग्नित्वादि दीय उपास्या कथम व्या, पंचाग्नि उपासना चांद्योग्य उपनिषद में है जहां पर पांच प्रकार के अग्नि दर्शाए हैं। अब देखो पृथ्वी वाव गौतम अग्नि है, अब देखो योषा वाव, स्त्री जो है वो अग्नि है, पुरुष अग्नि है, पृथ्वी अग्नि है, पर्जन्य अग्नि है, अब देखो द्युलोक भी अग्नि है। तो वहां अग्नि की बुद्धि करके हम पंचाग्नि उपासना जब करते हैं तो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब देखो और इस प्रकार से मनोब्रह्मेत्युपासीत, अनेक प्रकार की उपासना है, आदित्य ब्रह्म इत्यादेश है, तैत्तरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में अनेक प्रकार की ये उपासना दर्शाई है जो सब संवादी ब्रह्म है, आप समझो। अथवा वस्तु विज्ञानात, आप देखो तो जो वस्तु है मणि की प्रभा ही है और उसी में मणि बुद्धि करके वो दौड़ रहा है,
बुद्ध स्वामी जी बहुत सुंदर कहते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो किसी भी रूप में किसी भी नाम में आप ईश्वर की पूजा कर सकते हो क्योंकि सर्व ईश्वर ही है। आप समझो, कोई मूर्ति पूजक नहीं है, हम ईश्वर पूजक है क्योंकि सर्वत्र ईश्वर है, तो ईश्वर की पूजा हम कर सकते क्योंकि वो ईश्वर है। संवादी ब्रह्म क्यों कहते, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है। आप समझो, ईश्वर है और ईश्वर बुद्धि करके हम पूजा करते हैं। उसी प्रकार से स्वयं ब्रह्म अपि संवादी यथा सम्यक फलप्रद ब्रह्मतत्वोपासना अपि तथा मुक्ति फलप्रद। तो बोले जिस प्रकार से ये पूजा पाठ हम करते हैं, तो इस प्रकार से संवादी ब्रह्म हम करते हैं, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की भी हम उपासना करेंगे। मैं ब्रह्म हूं ऐसे बोले। आप अपने आप को ब्रह्म नहीं जानते हैं और अपने आप को ब्रह्म समझने में आपकी बुद्धि में कुछ किसी भी प्रकार से मंदता है। आप देखो महर्षि इसलिए कहते झूठ मुठी मान लो आप ब्रह्म है। आप देखो तो कहते हैं वेदांतेभ्यः ब्रह्म तत्व अखंड एक रसात्मकम परोक्षम अवगम्य एतद अहम अस्मि इति उपासते। लेकिन ये उपासना किसके लिए है? वेदांतेभ्यः करने के बाद और वो श्रवण भी क्या किया है, ब्रह्म तत्वम अखंडम एक रसात्मकम। ब्रह्म तत्व जो है एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, वो एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान है। लेकिन ब्रह्म अस्ति ऐसे जानता है, ब्रह्म अस्मि इति उपासते। अब आपको क्या करना है, ब्रह्म मैं हूं। आप देखो अगर मैं आप पूर्ण एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा, यह निश्चय आपका नहीं होता है तो आप क्या करो। अगर ये निश्चय नहीं है तो शास्त्र में उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो वो परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष बनाने के लिए क्या करना है, ब्रह्म उपासित अहम अस्मि इति उपासते। आप देख अस्ति ब्रह्मेति सामान्य ज्ञानम, ब्रह्म है। क्योंकि शास्त्र श्रवण के द्वारा ही हमें समझ में आता है कि ब्रह्म है। आप देखो बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं तो जब मैं ये बात करती हूं तो उनके लिए बहुत नया लगता है, ये चैतन्य क्या है, ये ब्रह्म क्या है। अब वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। आप देखो क्यों, क्योंकि शास्त्र श्रवण नहीं है। शास्त्र श्रवण के द्वारा ही हमें ये ज्ञान होता है, ब्रह्म अस्ति। आप देखो जगत कारणम ब्रह्म अस्ति। तो उसको हम परोक्ष दी परोक्ष ज्ञान कहते हैं, परोक्ष बुद्धि कहते हैं। अब तो वो जो परोक्ष ज्ञान है आप क्या करना है, सच्चिदानंद रूप शास्त्राध्वाने अनुलिखन प्रत्यंचम साक्षिणम तत्तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते। आप देखो शास्त्र के द्वारा ये श्रवण हम करते हैं, अनेक प्रकार से ये शास्त्र का ज्ञान हमें मिलता है। प्रत्यंचम साक्षिणम तत्तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते, ये प्रत्यक्ष है। आप समझो प्रत्यक्ष होने पर भी, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म होने पर भी हम उनको अहम अस्मि, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है ऐसा आप निश्चय नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ये उपासना आवश्यक है। और वो भी परोक्ष ज्ञान, परोक्षम अपि तद् ज्ञानम तत्व ज्ञानम न तु ब्रह्म, वो ब्रह्म नहीं है। आप सब शास्त्र हमें कहते हैं ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, आगे मैं कह के गई, आप समझो ठीक से। शास्त्र नहीं कहते कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म है, ये आपकी इच्छा है। सद ब्रह्म माने मृत्यु, माने मृत्यु नहीं है, ज्ञानम ब्रह्म माने अज्ञान नहीं है। आनंदम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म माने कि कोई मर्यादा, कोई अपूर्णता नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो आप वही तो चाहते हो ना, आपको मृत्यु पसंद नहीं है, आपको अज्ञान पसंद है, आपको दुख पसंद नहीं है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं है, स्वामी जी इसलिए कहते हैं द सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉट,
आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो आप स्वयं है ही। आप तो शास्त्र नहीं कह रहे कि आप ब्रह्म है, आप ब्रह्म है इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि आप ब्रह्म है आप सब। और इसलिए कहते हैं कि वो भी तो ज्ञान ही है जो परोक्ष दी है, परोक्ष बुद्धि है वो भी ज्ञान ही है, आप समझो ब्रह्म नहीं है क्योंकि आप ब्रह्म है। ब्रह्म यद्यपि शास्त्र त्रुप्रकृत्वेन एव वर्णितम महावाक्य ही, इस प्रकार से ब्रह्म का तो आप स्वयं साक्षात ब्रह्म स्वरूप है इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन किया गया है। तथापि एतद् दुर्बोधम अविचारिणः, जो आत्मविचार करने का समर्थ नहीं है उनके लिए ये जो मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है ये बोध जो है वो दुर्लभ दुर्बोध है, वो उनको समझ में आता नहीं है। आप देखो अब उनके लिए क्या करने, क्यों होता है ये कि दो प्रतिबंधक है, देहात्मत्व विभ्रांतो जगत्याम न हठात पुमान। अब देखो देह में आत्मबुद्धि है और जगत में सत्य बुद्धि है, ये दो है। भ्रांतो जगत्याम न हठात पुमान ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मंदतित्वतः, हमारी बुद्धि में इस प्रकार की मंदता है। देखो बुद्धि की मंदता मानी लौकिक दृष्टि से मंद बुद्धि नहीं है, लौकिक दृष्टि से वो करोड़पति भी हो सकता है, लौकिक दृष्टि से वो वैज्ञानिक भी हो सकता है, लौकिक दृष्टि से मंद बुद्धि नहीं है। अर्थ काम में तो वो बहुत कुशल है, धर्म में भी बहुत कुशल है, आप समझो वेद शास्त्र में भी वो कुशल हो सकते हैं, भौतिक रूप से लौकिक रूप से तो बहुत कुशल है, लेकिन जब आत्मतत्व का विचार आता है ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम, ब्रह्म को आत्मस्वरूप जानने में क्षमते, आप देखो ना पुमान क्षमते, उनकी सामर्थ्य नहीं अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मैं पूर्ण ब्रह्म हूं ये ज्ञान के निश्चय का उनका सामर्थ्य नहीं है। मंदधी ही, आप देखो बुद्धि की मंदता है, बुद्धि की मंदता क्यों है, क्योंकि हमारी बुद्धि में दो प्रकार की बुद्धि हुई, स्थूल बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि, आप समझो इसलिए कठोपनिषद में यमराजा क्या कहते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते, ये आत्मा तो सर्वव्यापी है, ये ब्रह्म स्वरूप आत्मा सर्वव्यापी है न प्रकाश, लेकिन हम उनको नहीं देखते हैं, न प्रकाशता मानी हम उनको देखते नहीं है, तो बोले कि ये गूढात्मा है छुप गया है तो बोले नहीं दिखेगा, तो बोले दिखेंगे दृश्यते अवश्य अवश्य दर्शन होंगे आपको, आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन कर, आत्मा दर्शन करने योग्य है। तो यमराजा क्या कह, दृश्यते तू अवश्य उनको प्राप्ति होगी, कैसे दृश्यते तू अग्र बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी, हमारी बुद्धि जो है हमारी बुद्धि स्थूल जगत में हम उपयोग करते हैं और इसलिए हमारी बुद्धि स्थूल बन गई है, स्थूल बुद्धि से हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है, और इसलिए यमराजा कहते हैं सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी, जो सूक्ष्म दर्शन करने के जिसका स्वभाव है सूक्ष्म दर्शी भी, सूक्ष्म दर्शनशील जो व्यक्ति है उनकी बुद्धि अग्र बुद्धि, आप देखो अग्र बुद्धि मानी शार्प तीक्ष्ण बुद्धि है, सूक्ष्म या जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है, देखो हमारी बुद्धि हमारा अंतकरण जो है ना जिस विषय का आप चिंतन करेंगे उसी विषय के अनुरूप आपकी बुद्धि बनती है, आप स्थूल जगत का चिंतन कर रहे हैं इसलिए आपकी बुद्धि स्थूल बन जाती है, अब आप सूक्ष्म चिंतन करो ईश्वर चिंतन करो भक्ति करो तो सूक्ष्म ईश्वर का चिंतन करते करते हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म बनेगी, हमारी बुद्धि शार्प बनेगी, आप सब तो बुद्धि की मंदता मानी क्या है, सूक्ष्मता नहीं है तीक्ष्णता नहीं है तेजस्विता नहीं है, तीक्ष्णता मानी जो कहा गया है तुरंत समझ लेना चाहिए,
और इसलिए जिसकी बुद्धि सूक्ष्म है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण तेजस्वी है, उनको अवश्य ज्ञान होता है। दृश्यते तो अग्र बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी। हम अर्थ और काम में, भौतिक जगत में हमारी बुद्धि लड़ाने में हम बहुत कुशल है, आप सब भौतिक जगत में तो हम बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जब तत्व चिंतन आता है ना, मंददीत्वतः, ये मंद बुद्धिता के कारण हम ये अपरोक्ष ज्ञान हमें नहीं होता है, और इसलिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम श्रद्धालः शास्त्र दर्शिनः अपरोक्ष द्वैत बुद्धिः परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम श्रद्धालो हो, जो श्रद्धालु है, जिसको ये शास्त्र में श्रद्धा है, उनके लिए तो जो जानने योग्य है वो तो क्या है, ब्रह्म मात्र है। आप देखो उनको तो ब्रह्म मात्र को ही जानना है, लेकिन उसको जानने के लिए आप उनकी बुद्धि में वो सूक्ष्मता आवश्यक है, और इसीलिए आगे 21 नंबर श्रद्धालु हो शास्त्र दर्शिन है, जो श्रद्धालु भी है और शास्त्र दर्शी मानी कि शास्त्र पर उनको श्रद्धा। देखो हम कल देख के गए, यहां श्रद्धा मानी, हाँ मैं ईश्वर को मानता हूं, ये श्रद्धा की बात हम नहीं कर रहे, हमें शास्त्र उपदेश में, गुरु उपदेश में, ईश्वर में श्रद्धा है, और इसलिए कहते हैं जो शास्त्र दर्शी भी है, शास्त्र आदि में जो श्रद्धा करके शास्त्र चिंतन करता है, सुविज्ञेयम ब्रह्म मात्र, उनके लिए सुविज्ञेय, उनके लिए जानना बहुत सरल है। जिसकी बुद्धि में मंदता है, जिसने अपने आप को शास्त्र श्रवण में नहीं लगाया है, उनके लिए ये बहुत दुर्विज्ञेय है, लेकिन जो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जिसने अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाया है, उनके लिए ये ब्रह्म मात्र, यहां जो कुछ है ब्रह्म मात्र है, ये जानना बहुत सरल बन जाता है। अब देखो, और इसीलिए परोक्ष अद्वैत बुद्धि ही परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत। अब तो जो अपरोक्ष द्वैत बुद्धि जो है ना, परोक्ष अद्वैत बुद्धि का कभी नाश नहीं होता है, अब समझो हमारी अपरोक्ष बुद्धि जो है ना, जो प्रत्यक्ष है, तो वो जो के जो अपरोक्ष अद्वैत बुद्धि जो है ना, परोक्ष अद्वैत बुद्धि, सॉरी ये क्यों कह रहे हैं कि परोक्ष बुद्धि जो है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, वो भी तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म का है वो भी ज्ञान ब्रह्म नहीं है। और इसलिए दृष्टांत देते हैं, अपरोक्ष शिला बुद्धि ही, हमारी बुद्धि कहती है ये शिला है, ये पत्थर है, तो साक्षात है परोक्ष। अपरोक्ष माने कि सीधे सीधे आप जा देखते हो कि ये प्रत्यक्ष है, ये शिला है, लेकिन वही शिला में आप क्या करेंगे, परोक्ष ईशताम नूदेत, अब उसमें आप ईश्वर का दर्शन करते, ये अंबा मां है, ये श्री कृष्ण है, ये श्री राम है, आप देखो प्रतिमादिषु विष्णुत्व को वा विप्रतिपद्यते, तो प्रतिमा में आपने विष्णु बुद्धि करके रखी है, वो प्रतिमा जो है या तो वो शिला की है या वो लकड़ी की है, जैसे हमारे जगन्नाथ भगवान है, दारू प्रतिमा है वहां, तो हम परोक्ष ईश्वर की वहां बुद्धि करके पूजा करते हैं तो वह को नाश कर देगा नहीं, जो अपरोक्ष शिला बुद्धि है वो ईश्वर बुद्धि का नाश नहीं कर सकती, आप समझो, क्योंकि जो परोक्ष ईश्वर बुद्धि जो है वो शास्त्रोक्त है, शास्त्र कहते हैं शाले, आप देखो शालिग्राम विष्णु बुद्धि ही, शालिग्राम में हम विष्णु बुद्धि करते हैं, आप समझो,
तो जो हमारी शालिग्राम बुद्धि जो जो शिला बुद्धि जो है वो हमारी विष्णु बुद्धि का नाश नहीं कर सकती है, आप समझो ये ठीक से। लेकिन जो नास्तिक है श्रद्धालु हो अविश्वास न उदाहरण अर्हती, यहां जो श्रद्धालु नहीं है जो संशय करने वाला है अविश्वासु है उनकी बात हम नहीं करते, वो तो बहुत तर्क वितर्क करते रहते हैं, उनकी बात हम यहां नहीं करेंगे। लेकिन जो श्रद्धालु है सर्वत्र वे वैदिकेषु अधिकारतः, आप देखो जो अश्रद्धालु है जो अविश्वास करने वाला है उनकी तो बात हम करते ही नहीं, क्योंकि उनको न तो शास्त्र में श्रद्धा है न ईश्वर में श्रद्धा है न गुरु में श्रद्धा है, उनकी बात हम नहीं करते, उनको छोड़ दो। यहां हम किसका दृष्टांत लेते हैं, जो श्रद्धा जिसको शास्त्र में श्रद्धा है, जो जिसको शास्त्र में श्रद्धा है उसी को ये शास्त्र ज्ञान में परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में उनका अधिकार है, अधिकार आप देखो वैदिक ज्ञान में शास्त्रोक्त ज्ञान में अधिकार किसका, जो श्रद्धालु है उनका अधिकार है, जिसको आनंद आ रहा है उनकी बात हम कर नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आगे कहते हैं सकृत आप तो उपदेश ने परोक्ष ज्ञान उद्भवेत विष्णु मूर्ति उपदेश ही न मीमांसा अपेक्षते, आप तो उपदेश आप तो माने क्या है, जिसके ऊपर हम श्रद्धा करते हैं विश्वास करते हैं उसको आप तो जन कहते हैं। तो आप तो जन के उपदेश से सीधे सीधे असकृत, आप देखो सकृत माने तत्काल, एक बार ही हमें वो कहेंगे और हम श्रद्धा करके करेंगे। ये शनि देव है, ये सूर्य नारायण है और हम पूजा करते हैं, आप देखो उससे परोक्ष ज्ञान अवश्य उत्पन्न होता है। उतना ही नहीं कर्मोपास्ति विचार्ये अनुष्ठेय विनिर्णयात बहुशाखा प्रकीर्णम निर्णय तुम कह प्रभु नरह, आप देखो ये कर्म और उपासना जो है उनमें सीधे सीधे हमारी बुद्धि का कोई प्रवेश नहीं है, क्यों नहीं है, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायन विद्यते। कर्म और उपासना जो है वो न तो प्रत्यक्ष है न अनुमान के लायक है और इसीलिए उनके लिए हमें शास्त्र पर श्रद्धा करनी पड़ती है। और उसके लिए मीमांसा, मीमांसा मानी क्या है, बहुशाखा प्रकीर्ण, वेद की अनेक शाखाओं में इन उपासना और कर्म का प्रतिपादन किया गया है। हम स्वयं अपने आप नहीं कर सकते, हमारे आचार्य जो है उन्होंने ये पूर्व मीमांसा में विचार किया है और उन पर श्रद्धा करके ही हम आगे चल सकते हैं। निर्णित अर्थ कल्पसूत्र ही ग्रथित तावता आस्तिक, अनेक प्रकार के कल्प सूत्र है, अनेक प्रकार के जो स्मृति ग्रंथ है उसमें ये मीमांसा की गई है। वेद शास्त्र जो है सीधे सीधे हम नहीं समझते तो उनके लिए ये जो अनेक प्रकार के जो शास्त्र है पूर्व मीमांसा के, जैमिनी हो गए, आश्वालयन हो गए, याज्ञवल्क है, तो उन्होंने ये विशेष प्रकार से ये कर्म और उपासना के मीमांसा मानी की, उनके ऊपर विवेक विचार किया है और उनका जब हम उनके उन पर श्रद्धा करके जो आस्तिक पुरुष है शक्त अनुष्ठातु मंजसा, वो शास्त्र में श्रद्धा करके वो उनका अनुसार अनुसार माने अनुष्ठान कर सकता है। और उसी प्रकार से उपास्ती नाम अनुष्ठानम आर्ष ग्रंथे सुवर्णितम, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के जो है पूर्व मीमांसा में जैमिन आदि के जो ऋषि मुनि हो गए उन्होंने वर्णन किया, उसी प्रकार से अनेक प्रकार की उपासनाओं भी दर्शाई गई है ग्रंथ में, आप समझो विचार क्षम क्षम अमर्त्याश्च तत्श्रुत्वा उपासते गुरो हो, जिस प्रकार से अनेक वेद की शाखाओं में कर्म है और कर्म की मीमांसा भी हमें मिलती है उसी प्रकार से अनेक प्रकार की उपासना भी शास्त्र में है और जिनके ऊपर मीमांसा की गई है और गुरु के द्वारा वो उपासना का विधान किया गया है
और उनको सुन के हम उपासना कर सकते हैं। वेद वाक्यानि निर्णय तुम इच्छन मीमांसताम जनः, वेद वाक्य के मीमांसा उनके ऊपर विचार करने की जिसको इच्छा है उनको क्या करना है, तो कहते हैं आप तो उपदेश मात्र अनुष्ठानम ही संभवेत। आप तो उपदेश, आप समझो गुरु हमें उपदेश करेंगे, गुरु जानते हैं किस प्रकार की उपासना हमारे लिए आवश्यक है, आप समझो गुरु निर्णय करेंगे किस प्रकार की उपासना हमारे लिए आवश्यक है। उस प्रकार की उपासना जब हम करते हैं तो हमारी बुद्धि में जो मंदता है, स्थूलता है, जो प्रतिबंधक है, उनकी निवृत्ति हो सकती है। जिस प्रकार से जो डॉक्टर वैद्य होता है वो जानते हैं कि किस प्रकार के औषध की हमें आवश्यकता है, उसी प्रकार से गुरु जो होते हैं, गुरु हमें उपदेश करते हैं कि किस प्रकार का अनुष्ठान हमें करना है, किस प्रकार की उपासना हमें करनी है। और श्रद्धा पूर्वक जब हम उनकी अनुष्ठान करते हैं, उस प्रकार की उपासना हम करते हैं, तो हमारी बुद्धि में जो प्रतिबंधक उनकी निवृत्ति अवश्य होती है। ब्रह्म साक्षात्कृति स्तो एवं विचारेण विना नृणाम आप्तोपदेश न संभवती। क्योंकि जो ब्रह्म साक्षात्कार की हम बात कर रहे हैं, विचार बिना वो संभव नहीं है, आप समझो। उपदेश श्रवण करने मात्र से ही भी नहीं हो जाएगा, आप समझो। क्योंकि निश्चय तो आपको करना है ना, शास्त्र तो कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, लेकिन अगर आप स्वयं तत्व चिंतन नहीं करेंगे, आप स्वयं ये विचार नहीं करेंगे, आप स्वयं ये निश्चय नहीं करेंगे, तब तक आपको भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होना है, आप समझो। चिन्मयानंद जी इसलिए कहते थे गुरु तो आपको कह रहे हैं, शास्त्र भी आपको कह रहे हैं, लेकिन निश्चय तो आपको होना चाहिए ना, तब तक आपको ब्रह्म साक्षात होने की कोई संभावना नहीं है, आप समझो। अनुष्ठानम ही संभव, देखो उपदेश मात्र से नहीं होगा, निश्चय आपको करना है। परोक्ष ज्ञानम अश्रद्धा प्रतिबद्धाति न इतरत, और इस प्रकार से अश्रद्धा करते, अश्रद्धा माने कि हम उनको सत्य बुद्धि उनमें नहीं कर रहे। श्रद्धा, शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में श्रद्धा को क्या है, सत्य बुद्धि अवधा, अवधारणा माने निश्चय। शास्त्र जो कह रहे हैं उनमें हमें सत्य बुद्धि करनी पड़ेगी, उनमें अश्रद्धा नहीं करनी है, अब सब। और इसीलिए ये हमारी अश्रद्धा जो है, हमारे विचार करने की अक्षमता जो है, वही प्रतिबंधक है। अविचार परोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधक है। अब दो प्रकार से, अश्रद्धा भी प्रतिबंधक है और अविचार भी प्रतिबंधक है। अब अविचार जो है वो उसको विचार के द्वारा हम उनकी निवृत्ति कर सकते हैं, और इसलिए कहते हैं विचार्य अपि अपरोक्षेण ब्रह्मात्मनम न वेत्ति चेत। बोले वर्षों तक हमने शास्त्र श्रवण किया है, हम उनके ऊपर विचार भी कर रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है अक्षम। आप देखो न वेत्ति ब्रह्मात्मानम आप आरोक्ष अवसानात भूय भूय विचारयेत। अब देखो अगर नहीं होता है तो दूसरा कुछ नहीं करना है। देखो मैं बार बार ये कहती हूं आपको कि अन्य कुछ भी नहीं करना है। पुनः भूय 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 माने पुनः पुनः विचारयेत, पुनः पुनः हमें यही ब्रह्म चिंतन ही करना है। आदर पूर्वक हम ब्रह्म चिंतन करते रहेंगे तो बोले ये विचार कब तक करना है। विचारयन आमरणम नैवात्मनम लभेच्छे जन्मांतरे लभते व प्रतिबंध क्षये सती। तो बोले अगर हम ये विचार करते रहेंगे, अभी हम तो वृद्ध हो गए हैं, हमारा वय हो गया है, आमरणम नैवात्मनम लभेत चेत, अगर हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा। अब देखो ये प्रश्न होता है कि पुनः पुनः हम ब्रह्म चिंतन करते रहे, पुनः पुनः शास्त्र श्रवण करते रहते हैं,
पुरुषों तक शास्त्र श्रवण किया है, फिर भी अपरोक्ष ज्ञान अगर नहीं हुआ हमें, तो शास्त्र स्वयं कहते हैं जन्मांतरम लभ्येत एव, अन्य जन्म में आपको अवश्य एव परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। क्यों? प्रतिबंध क्षये सति, जो प्रतिबंधक है, जो ब्रह्म लेकिन उनमें कोई प्रतिबंधक के कारण नहीं हो रहा है, तो वो प्रतिबंधक की निवृत्ति जब हो जाएगी अन्य जन्म में, तो उनको अवश्य ब्रह्म ज्ञान होगा। आप समझो ये, और इसलिए कहते हैं इह वा मूत्र वा विद्येत एवं सूत्र कृत उदितम श्रृणवंत अपि अत्र बहु अन्य विद्युः इति श्रुति ही। श्रुति माता ही स्वयं ये कहती है कि कई लोग जो है श्रृणवंत अपि बहुभिः न लभ्यः, आश्चर्य व्यक्त कुशलानुशिष्ट है। कठोपनिषद में ये वाक्य आता है कि अनेक प्रकार से श्रवण करते हुए भी आप देखो ज्ञान नहीं होता है। आप देखो भगवान भी कहता है श्रुत्वा पी न लभ्य है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि अगर ये विचार करने पर भी हमें ये ज्ञान नहीं होता है, श्रुण्वन्तः अपि, श्रवण करने के बाद भी ये ज्ञान नहीं होता है, यह जन्मनि श्रवणादि कर्तुः जन्मांतर परोक्ष ज्ञानं भवति इत्रापि। ऐतिरी उपनिषद में कहते हैं गर्भे अनुसन्नन्वेषाम वेदाहम देवानाम जनिमानी विश्वा इत्यादिकम। अब देखो भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रतिबंधक जो है, वो प्रतिबंधक ऐसा होता है कि जिसकी निवृत्ति ये जन्म में हम नहीं कर सकते। भले हम ब्रह्म विचार कर रहे हैं, भले हम ब्रह्म उपासना भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा कोई प्रतिबंधक है जो इस जन्म में हम उनकी निवृत्ति नहीं करते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करना पड़ेगा। श्रृणवाया बहुवीर्य न लभ्य श्रृणवंत अभी बहुवनयन विद्युः, ये संभव है। आप देखो ये मंत्र के द्वारा भारती तीर्थ मुनि कहते हैं ये इस प्रकार से संभावना है कि बहुत बार ये श्रवण करने पर भी हमें ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। बहवः न विद्युः, अनेक लोगों को ये ज्ञान नहीं होता है। इनका अर्थ ये हो गया कि इस जन्म में वो प्रतिबंधक की निवृत्ति नहीं होती है, लेकिन अन्य जन्म में हो जाएगी। आप समझो गर्भ एव शयन सन वाम देव अवबुद्धमान, बोले कि वो जो पाप कर्म जो था, वो जो प्रतिबंधक जो था, जब वामदेव ने गर्भवास किया तो गर्भवास भी एक प्रकार से दुख है, जो पाप कर्म है ना, जो हमें रूप में ही मिलता है। आप समझो, और गर्भवास जो है वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। आप समझो, मनुष्य का जो गर्भवास है, मनुष्य का जो शिशु अवस्था जो है, युवा अवस्था है, अनेक प्रकार के दुख है। आप शंकराचार्य विरचित बहुत सुंदर ये स्तुति है भगवान की, शंकर भगवान की स्तुति है। क्यों? अपराध क्षमा स्तोत्र दर्शाते हैं कि गर्भावास में किस किस प्रकार का दुख हमें पड़ता है, शिशु अवस्था में किस किस प्रकार की पीड़ा का अनुभव हम करते हैं। तो वामदेव जो थे, उनके जो प्रतिबंधक था, वो जब गर्भावास किया तो वो पाप कर्म जो गर्भावास का पीड़ा का अनुभव किया, उसके कारण पाप कर्म जो प्रतिबंधक बन के बैठा था, उनकी निवृत्ति हो गई। अब गर्भ में ही, आप समझो, गर्भे एव शयान, गर्भ में ही रहते हुए वामदेव अवबुद्धवान, उनको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया। अहम मनु अयम मनु अभवम सूर्यश्चैति। और इस प्रकार से वामदेव के भी जो शास्त्र श्रवण भी करते थे, ब्रह्म विचार भी करते थे, लेकिन उनको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ। जब उनका गर्भवास हुआ तो उनको ये अपरोक्ष ज्ञान हो गया। पूर्वाभ्यस्त विचारेण यद्वध्य अध्ययनादिशु। अब देखो
पूर्व जन्म में उन्होंने भी बहुत सारा शास्त्र अभ्यास किया था, आप समझो। देखो इसलिए मैं शास्त्र श्रवण का कोई विकल्प नहीं है, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है, आप समझना है। पूर्व जन्म में उन्होंने भी शास्त्र अध्ययन किया था, शास्त्र चिंतन भी किया था, ब्रह्म अभ्यास भी किया था, और इसीलिए जब प्रतिबंधक की निवृत्ति हो गई गर्भावास के दरमियान, वो निवृत्ति हो गई उनकी, तो उन्हें ज्ञान हो गया वहां पर। और इसलिए कहते हैं अभी बहुवार अधितेपि तदा नायाति चेत पुनः दिनांतर अनतिथ्येव पूर्वाधितम स्मरेत पुमान। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पूर्व जन्म में शास्त्र अध्ययन किया था ना, गर्भ में कहां शास्त्र अध्ययन किया। तो उनके लिए एक लौकिक दृष्टांत देते, बहुत सुंदर दृष्टांत। आप देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ हम उनको अध्ययन करते हैं लेकिन हमारी बुद्धि में वो ठीक से बैठता नहीं है। बहुवारम अधीतेपि तदा नायाति चेत पुनः, लेकिन हमारी बुद्धि में ठीक से वो समझ नहीं आती, ठीक से वो बैठता नहीं है। फिर दिनांतरे दूसरे दिन क्या होगा, हमारी बुद्धि जब शांत हो जाती है, हम ठीक तरह निद्रा लेते हैं, अब देखो तो क्या होता है, दिनांतरे अनधित्य भी अध्ययन नहीं किया, दूसरे दिन उन्होंने अध्ययन किया नहीं है, फिर भी अचानक उसके वो समझ में आ जाएगा, हाँ वो मैं समझ गया। अब हम विद्यालय में विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, ये सब हमारा अनुभव है, आप समझो। कई बार ऐसा होता है कि ये हम पढ़ते हैं लेकिन दूसरे दिन हमें समझ में आ जाता, हाँ अभी समझ में आ गया। तो जिस प्रकार से जिस दिन हमने अध्ययन किया ही नहीं है, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगले दिन जो हमने अध्ययन किया उनकी समझ हमें दूसरे दिन आती है, उसी प्रकार से इस जन्म में जो शास्त्र अध्ययन किया है लेकिन प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंधक की जब निवृत्ति हो जाती है तो दूसरे जन्म में शास्त्र अध्ययन न किया हो फिर भी उनको ब्रह्म ज्ञान होता है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कालेन परिपच्यन्ते कृषि गर्भादय यथा तद्वद आत्मा आत्मविचार शनैः कालेन पच्यते। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से कृषि गर्भादय यथा कालेन परिपच्यन्ते, हम आम्र का वृक्ष लगाते हैं, दूसरे दिन हमें आम नहीं मिलेगी, उनका एक काल है, उनका एक नियत काल है, माने एक नियत समय है, नियत काल होता है, गर्भावास है, मनुष्य का जो गर्भावास है वो 9 महीना है, हाथी जो है 14 महीना है, 14 महीने मास तक वो गर्भवास रहता है, तो उनका एक विशेष टाइम समय है, उसमें परिपच्य वो परिपक्व होता है। उसी प्रकार से तद्वत आत्मा विचार अभी शनै ही काले न पच्यते, आप आत्मा विचार करते रहो, उनका परिपक्व होने का जब समय हो जाएगा वो अवश्य परिपक्व हो जाएगा और आपको ब्रह्म ज्ञान अवश्य होगा। कृषि में हर एक है, किसी भी वनस्पति में उनमें फल कितने महीने के बाद या कितने वर्ष के बाद होते हैं वो नियत काल होता है। उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य तो क्या, आत्मा विचार है, हम तत्व चिंतन करते रहे, शास्त्र चिंतन करते रहे, शास्त्र श्रवण करते रहे, हम ईश्वर की भक्ति करते रहे, ये हमारा कर्तव्य है। अब देखो भगवान भी यही कहते हैं, अनेक जन्म संसिद्ध है तथा याति पराम गतिम, ये एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर तक हम ईश्वर हम ये ईश्वर चिंतन करते रहते हैं, उनके परिपाक रूप इस जन्म में हमें ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, काले नात्मनिविन्दते, आप समझो। पुनः पुनः विचारे भी त्रिविध प्रतिबंधतः न वेत्ति तत्त्वमिति वार्तिके सम्यक् ईरितः, पुनः पुनः ब्रह्म विचार करते हुए भी हमें ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, उनके लिए सुरेश्वराचार्य जी जो है, सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है कि 3 प्रकार के प्रतिबंधक हो सकते हैं जिसके कारण ब्रह्म विचार करते हुए भी हमें अपरोक्ष बुद्धि नहीं होती है, तो वो 3 प्रकार के प्रतिबंधक की चर्चा करते हैं जो हम कल करेंगे। ये श्लोक है 38, आप समझो, कल हम आगे देखेंगे। देखो बहुत सुंदर है ये
एक बार हम सार देख लेते हैं ना तो हमारी बुद्धि में स्पष्टता आ जाती है कि ध्यान दीप प्रकरण क्या है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महेशाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सच्च शालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।